गोकुलपुरी दोपहर में डीटीसी की खड़ी बस में अचानक लग गई आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। आग लगने से जानमाल का नहीं हुआ नुकसान, पुलिस आग लगने के कारण की कर रही है जांच। जौरीपुर में लड़की के साथ छेड़छाड़ी का मामला आया सामने। पुलिस ने मारपीट को लेकर युवक पर मामला किया दर्ज। जीटीवी में युवक और लड़की के भाई का कराया गया मेडिकल। पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया। सीमापुरी पुलिस ने दो ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। पास से स्कूटी और कई सामान किया बरामद। पुलिस ने आरोपियों को सलाखों के पीछे डाला। शाहदरा थाना पुलिस के हाथ लगी अहम कामयाबी। पुलिस ने दो ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। एक स्कूटी भी पास से की बरामद। शाहदरा पुलिस ने कुख्यात अपराधी को पकड़ा। अपराधी गौरव पर पहले से 4 मामले हैं दर्ज। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच की शुरू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। गोकुलपुरी में सर्विस रोड पर खड़ी डीटीसी की बस में भयंकर आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं बताई जा रही है। आग लड़ने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है। घटना करीब दोपहर 3 बजे की बताई जा रही है। बस में आग लगने के कारण से धुआं चारों तरफ फैल गया। लोगों को सांस लेने में काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। बहन के घर से रात को अपने घर की तरफ लौट रही लड़की को एक युवक ने छेड़ा। लड़की ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने झन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। पीड़ित ने कॉल कर अपने भाई को बुलाया। आरोप है कि युवक ने लड़की के भाई के साथ भी मारपीट की। पुलिस को कॉल कर वारदात की जानकारी दी गई। पीड़ित भाई और बहन को मेडिकल के लिए जीटीबी अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद आरोपी को छोड़ दिया गया। गोकुलपुरी पुलिस ने मारपीट और शब्दों में स्त्री का अपमान करने के तहत आरोप लड़के के भाई के मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे छोड़ दिया है। पीड़िता 22 साल की लड़की जौरीपुर इलाके में परिवार के साथ रहती है, ब्यूटी पार्लर में काम करती है। पुलिस ने बताया कि 9 अप्रैल को रात करीब 10 बजे इलाके की प्रधान वाली गली में स्थित अपनी बड़ी बहन के घर से वापस लौट रही थी। इसी दौरान एक लड़के ने पीछे से आवाज देकर छेड़ दिया। उन्होंने विरोध किया तो आरोपी 3 से 4 थप्पड़ मार दिए। पीड़िता ने तुरंत अपने बड़े भाई को कॉल कर बुला लिया। सर, मैं अपने सिस्टर के घर से अपने घर जा रही थी तो मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी। मुझे रोज़ देखता था निकलते बढ़ते। फिर उसके बाद मेरे को पीछे से आवाज़ मारी। आवाज़ मारने के बाद फिर उसने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा। मैंने उससे बोला मुझे क्यों आवाज़ मार रहा है, क्या मतलब है। फिर उसने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा। मैंने भाई को कॉल करी तो मेरे भाई पर भी हाथ छोड़ा उसने। जी सर, फिर उसके बाद 100 नंबर पर कॉल करी। पुलिस वालों ने रिमांड भी लिया था तो उल्टा केस मेरे पर डाला था। मेरे से फ़ोन के पैसे मांग ली थी तो मैंने SHO से बोला था। उसके बाद क्या बोलते हैं, सर मेरे साथ देख लो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसमें कैमरे में चल के। तो फिर सर पुलिस वाले बोलने लगे, क्या बोलते हैं, लड़की को तो छेड़ेगा, पहले कितने केस हैं? तो बोल रहा 3 केस हैं। उसके बाद कहता है झूठे केस हैं। हाँ, फिर इतनी बात हुई थी। फिर पुलिस वालों ने एक दिन रखा, फिर उसका अगले दिन छोड़ दिया। सर पहले देखता था, मैंने कुछ बोला नहीं, इसलिए मैंने कहा कुछ बोलेगा जब भी मैं से कुछ बोलूँगी। तो उसने उस दिन रात को 10 बजे मुझे पीछे से आवाज़ मारी थी। मैंने उससे बोला क्यों मुझे आवाज़ मार रहा, तो इतने में उसने मेरे साथ बदतमीजी करी, उसने मेरे पर हाथ छोड़ा। आपके भाई के साथ भी हाथ छोड़ा? हाँ, मेरे भाई के साथ भी हाथापाई हुई थी। मेरा फ़ोन भी छीन के फ़ोन तक भी तोड़ दिया मेरा। शाहदरा जिला के सीमापुरी पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है, जो इलाके में ऑटो लिफ्टर और चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, हेड कांस्टेबल सचिन ने जब आरोपी से स्कूटी के दस्तावेज मांगे तो वह दिखा नहीं पाया और वह मौके से भागने लगा। उसका पीछा कर पुलिस ने उसे पकड़ा और अब सलाखों के पीछे डाल दिया है। DCP रोहित मीणा ने बताया कि इनसे कई केसों का खुलासा हुआ है। एक स्कूटी बरामद की गई है और कई वस्तु भी इनसे बरामद की गई है। शाहदरा पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है। पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है।
पुलिस को पास से एक स्कूटी बरामद हुई है जो चोरी की है। पुलिस ने दोनों को पेट्रोलिंग के दौरान पकड़ा। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि वे आदतन अपराधी हैं। लगभग एक महीने पहले शादरा के बलवीर नगर गली नंबर 8 से ये मोटरसाइकिल चोरी की थी। पूर्व दिल्ली की शाहदरा पुलिस को अहम कामयाबी लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान गाजीपुर मुर्गा मंडी से 40 साल के अपराधी गौरव को गिरफ्तार किया है, जो पहले से 4 मामले उन पर लिप्त हैं। रेप लूट के साथ अपराधी पर कई मामले पहले से दर्ज हैं। एसआई मनोज सोलंकी की देखरेख में इसमें सफलता पाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। उत्तर पूर्व दिल्ली के गोकुलपुरी में डबल मर्डर केस मामले मुख्य आरोपी आशीष को पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आशीष के साथ एक और आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं विकास की धरपकड़ के लिए जगह जगह पुलिस तफ्तीश कर रही है। जानकारी के मुताबिक विकास एक बाउंसर भी है। गोकुलपुरी डबल मर्डर केस में मुख्य आरोपी आशीष को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ज्यादा जानकारी के लिए जिले के कप्तान डॉक्टर जॉय टिकरी हमारे साथ। हमने इसमें मेरे ख्याल 5 टीमों का गठन किया था, बाद में एक टीम और मैंने जोड़ी, 6 टीमें थी। और जगह जगह हम लोग इसको ट्रैक कर रहे थे। इसके घर जहाँ गाजियाबाद में, वहाँ भी थोड़ा हमें इन्फॉर्मेशन आई थी ये शायद मसूरी की तरफ निकल गया है, वहाँ भी हमने टीम भेजी थी डासना मसूरी। और फिर हमें बाद में पता लगा ये हरिद्वार पहुँच गया, तो वहाँ भी हमने टीम लगाई थी। पर जो टीम हमारी गाजियाबाद के पास में थी उसको वहीं स्टेशन रखा था हम लोगों ने। तो कल शाम को ये फ़ोन वगैरह इसने सारे बंद कर दिए थे अपने, तो कल शाम को जैसे अपने घर के पास ही लौटा तो वहाँ से हमने इसको पकड़ लिया था। सर, एक और आरोपी है जो विकास है, वो सर अभी भी फरार चल रहा है सर जी। इसमें इसका एक साथी और है जो कि विकास अलियास विराट, उसका नाम बताया, मोटरसाइकिल लेकर वही आया था और उसको भी ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्दी मिल जाएगा। सर, ये भी जानकारी मिल रही है कि ये इसके ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं विकास के ऊपर, बॉडी बिल्डर का काम करता था सर। ये बाउंसर का काम करता था, केस नहीं है इसके ऊपर, प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक 3 साल पहले झगड़ा हो गया था, उसमें इसको डिटेन किया गया था कवि नगर थाने में, केस नहीं है इसके ऊपर। विजन एनालिस्ट रविकांत के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव दिल्ली। रशीद मार्केट में सुखमणि सेवा ट्रस्ट के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। ये संस्था पिछले लंबे समय से लोगों की सेवा कर रही है। संस्था के लोगों ने बताया कि कोरोना काल में भी काफी मदद की गई थी और बुजुर्गों के लिए भी काफी सामाजिक काम इस संस्था द्वारा किया जाता है। आज रशीद मार्केट में एक कार्यालय खोला गया है जिससे लोग यहां आकर सेवा का लाभ उठाएं और संस्था भी जरूरतमंदों के काम करवाती रहे। आज हमने अपने कार्यालय की, अपने इस ऑफिस की ओपनिंग करी है, क्योंकि सेवा हमारी जो है हमारी टीम से है, मेरी सुखमणि फैमिली से है और इस टीम की वजह से ही हम लोग हैं और हमारी वजह से ही आज ये सेवा हो पा रही है। लेकिन इस कार्य को हम लोग ऐसे ही करते रहे, हमें सही रास्ता मिलता रहे, हम लोग एक विज़न के साथ हम लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया कि हम लोग एक अपना वृद्धाश्रम बनाना चाहते हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, उन लोगों के लिए, उन माँ बाप को हम लोग उनकी केयर करना चाहते हैं, उनको घर जैसा माहौल देना चाहते हैं। जो सराहनीय कार्य कर रही हैं ये वाकई काबिले तारीफ है। हमारे भाई राजू जी का, पार्षद साहब का इनको हमेशा सहयोग मिलता है और ये देख के बड़ी खुशी हुई कि सुखमणि ट्रस्ट जो है खोला गया है ये, और ऐसे ट्रस्ट चलते रहने चाहिए, इनसे समाज को बड़ी मदद मिलती है। सभी मिलकर इस संस्थान को चला रहे हैं, काफ़ी समय से चला रहे हैं। पीछे जो कोरोना काल में जो लोगों की अस्थियाँ शमशान घाटों में पड़ी थी, 4,000 समथिंग, ये यहाँ से लेके इन्होंने जाके वहाँ पे विसर्जन करी गढ़गंगा में, जिनको कोई आज तक जाने वाला नहीं था। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय सप्ताह के अंतर्गत आज संजय झील पटपड़गंज पर निगम पार्षद संदीप कपूर और रेणु चौधरी, जिला महामंत्री, मंडल अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सफाई अभियान किया गया। आसपास फैली गंदगी और पत्थरों को उठाया गया। संदीप कपूर ने कहा कि आज दिल्ली में पानी के जल भंडार को बचाने और साफ सुथरा रखने की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आज दिल्ली में जलाशयों को साफ सुथरा करने और संरक्षण की जरूरत को देखते हुए इस अभियान को लिया है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल से लेकर और 14 अप्रैल तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस तक भारतीय जनता पार्टी सेवा समर्पण सप्ताह मना रही है। इसके तहत आज हम संजय झील पर पहुंचे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर जो जल स्रोत हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनमें पानी होना चाहिए, साफ सुथरी होना चाहिए, ऐसा संकल्प लेके
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज सभी वाटर बॉडीज में जाके साफ सफाई और गहराई के लिए काम किया है। आज हम संजय झील पर आकर सैकड़ों कार्यकर्ता और रेणु चौधरी जी जो पटपड़गंज की निगम पार्षद हैं, हमारे साथ मिलकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सफाई अभियान किया और आसपास से हमने कूड़ा कचरा उठाकर झील को जो है साफ सुथरा किया। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ रहे केस को देखते हुए डॉक्टर्स लोगों को इस बीमारी से बचने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर गौतम सिंह का कहना है कि मास्क जरूर लगाएं, भीड़भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल ना जाएं, अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएं, शरीर को हाइड्रेटेड रखें, पानी खूब पिए, कोरोना का पता पड़ने पर तुरंत अपने आप को आइसोलेट करें जिससे संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। देखिए, दिल्ली में कोरोना के मामले जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जहां पहले दिल्ली के अंदर 300, 400, 500 मामले रोज दर्ज किए जा रहे थे, आज ये संख्या जो है बढ़ के हजारों की तादाद में हो गई है। ऐसे समय में बहुत जरूरी है दो चीजों का ध्यान रखना। नंबर एक, अपना बचाव कैसे करना है, और नंबर दो, अगर हमारे को कोरोना हो जाए तो हमें क्या करना है। तो देखिए, हमारे को अपना बचाव करने के लिए तो बहुत सरल भाषा में जो है वो मैं बताना चाहूँगा कि अपने मास्क को जो है वो अच्छे से पहन के रखें जब भी घर से बाहर निकलें, अपने हाथ को जो है वो बार बार साबुन पानी से धोएं या सैनिटाइज भी कर सकते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आपको क्या सावधानी बरतनी है, उसमें सबसे पहले सावधानी ये है कि इसके लक्षण जल्दी पहचानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने आप को जो है वो आइसोलेट कर सकें, आप अपने आप को जो है वो अलग कमरे में रख सकें, और आपसे दूसरे लोग, घर परिवार के और लोग जो हैं वो इस बीमारी से जो है वो संक्रमित ना हों। गांधीनगर के चांद मोहल्ला में पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल द्वारा आधार कार्ड कैंप लगाया गया। इस कैंप का लाभ काफी संख्या में लोगों ने उठाया। इस मौके पर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि ये कैंप इसलिए लगाया गया ताकि लोग अपना आधार कार्ड बनवा सकें, उसको अपडेट करना कर सकें, और जिससे वह सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा ये कैंप 2 दिन और चलेगा, और जो भी लोग अपना आधार कार्ड में अपडेट करवाना चाहते हैं या जिनका आधार कार्ड नहीं बन पाया है वो अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए यहाँ एक कैंप लगाया हुआ है, जिस कैंप के अंदर आधार कार्ड में कोई क्वेश्चन करवाना हो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, श्रम कार्ड बनवाना हो, इसके अलावा कोई कोटक बैंक का खाते का भी जीरो बैलेंस का हमने यहाँ पे सुविधा उपलब्ध करवाई है। जो श्रम कार्ड है, श्रम कार्ड बनवाने वाले को 2 लाख रुपए का मुफ्त एक्सीडेंटल बीमा मिलता है, उसको उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है, मुद्रा योजना का लाभ मिलता है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजनाएं चलाई हुई हैं श्रम कार्ड बनवाने के बाद, उसको सभी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाता है। तो हमने कैंप लगाया, अभी तक लगभग 300 के आसपास लोग आ चुके हैं, और अभी ये कैंप 2 दिनों रहने वाला है। बैठे वो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उन लोगों की भीड़ नहीं है, जितने भी आदमी आ रहे हैं अच्छे आदमी आ रहे हैं, सब अपना अपना सबका काम हो रहा है, लाइन वाइज काम हो रहा है। मैं अपने आधार कार्ड में थोड़ा करेक्शन करवाना है, और मुझे कुछ आधार से वो लिंक करवाना है, पैन कार्ड लिंक करवाना है, और बच्चों का भी एक आधार कार्ड में करेक्शन करवाना है। पूर्व दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की इमारत में दरारें आ गई हैं। स्कूलों की इमारतों की हालत बेहद खस्ता हाल है, कई इमारतों की स्थिति बेहद जर्जर हालत में है। दरअसल निगम के स्कूलों की लोहे की सरिये बाहर निकल रहे हैं। जब हमने जाकर देखा भीकम सिंह कॉलोनी में तो यहाँ कई समस्या दिखाई दी। अभिभावकों का कहना है कि यहाँ पानी की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। स्कूल में पीने का पानी बहुत ज्यादा गंदा आता है, साथ ही स्कूल की इमारत भी कई दरारें आ गई हैं, जगह जगह से टूटी हुई बिल्डिंग नजर आ रही है। ऐसे में कभी भी कोई हादसा हो सकता है, उसके बाद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। सामने से तो बिल्डिंग अच्छी लगती है, लेकिन पीछे की तरफ अगर कहीं जाओ या अंदर की तरफ जाओ तो हकीकत पता चलती है, क्योंकि बाहर से तो चकाचौंध सब दिखता है, लेकिन कमियां अगर स्कूल के अंदर जाकर देखोगे तो दिखती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कमियां हैं। कभी भी अगर यहाँ भूकंप आ जाता तो ऐसे हालात हो रहे कि गिर ना जाए कहीं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों को क्या पता है कि बिल्डिंग कैसी है कैसी नहीं है। हम लोग जाते हैं अंदर, माँ बाप अपने बच्चों को भेजने जाते हैं, हम लोगों को पता अंदर से स्थिति कैसी हो रही है। खाली रंग पेंट करा देने से कुछ नहीं हो जाता है, इसके अंदर मेंटेनेंस भी तो करानी चाहिए। इन पिलरों को कौन भरेगा, ये जो छज्जे लटक रहे टूटे पड़े। इसको हम चाहते हैं कि इसको बनवाना चाहते हैं कि बन जाए बच्चे। हाँ, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, वैसे कम भी आते हैं बच्चों। हाँ, कहीं गिर ना जाए, बच्चों के ऊपर गिर जाए, किसी के ऊपर गिर जाए, ऐसे हम यही चाहते हैं कि इसको बनवाए। ठीक,
दिल्ली में महिलाओं की तरह लाखों रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों भी जल्दी डीटीसी की बसों में फ्री सफर कर सकेंगे। दिल्ली सरकार बस पास के बदले डीटीसी को एक तय शुल्क का भुगतान करेगी ताकि उसको आर्थिक नुकसान ना हो। इस पूरे मसले पर हमने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा अगर श्रमिकों के लिए सुविधा लाई जा रही है तो इससे डीटीसी और अधिक नुकसान में होगा उसको, क्योंकि पहले से ही काफी घाटे में डीटीसी चल रही है, इससे और भी घाटे में चली जाएगी। देखिए मैडम, आज दिल्ली में जरूरत है आदर्श परिवहन व्यवस्था की। हमने देखा बर्बाद हो चुकी है दिल्ली में परिवहन, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डीटीसी जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। आप दिल्ली में कहीं पर भी निकलिए आपको कहीं ना कहीं खराब बसें खड़ी मिल जाएंगी जो कि यात्रियों को तो परेशान करती है, साथ ही जो ट्रैफिक है उसको भी जाम करती है। जो शीला जी के समय में बसें चलाई गई थी 2010 में, वही बसें अभी भी हमारे जमुनापार में तो हम यही देख रहे हैं। बाकी सुनने में आता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक वगैरह वगैरह, लेकिन हमने कभी अपने जमुनापार में नहीं देखी। तो ज़रूरत इस वक्त है दिल्ली परिवहन व्यवस्था की दशा को सुधारने की, बसों को शामिल करने की। आज पुरानी बसें चल रही हैं जो कहीं पर भी ख़राब हो जाती हैं, उनको सुधारने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा मूव है क्योंकि जो श्रमिक है वो अपना सफ़र जो है पैदल तय करते हैं और इस तेज़ धूप में उनके लिए बड़ा ही मुश्किल काम होगा इस बार, क्योंकि मौसम विभाग ने भी बताया कि भाई इस बार जो है एक हीट वेव जनरेट होगी जिससे काफ़ी खतरा है सबके लिए जो कि आप जो बाहर निकल रहे हैं। तो मेरे लिए तो अच्छा ही न्यूज़ है, अच्छी राहत मिलेगी। एक श्रमिक को क्या चाहिए कि थोड़ा सा और राहत मिल जाए उसको, थोड़ा सा कोई चलने का मतलब कोई भी एक थोड़ी सी राहत मिल जाए। खुदरा महंगाई दर में फरवरी के मुकाबले मार्च महीने में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI महंगाई फरवरी के 6.44% से घटकर मार्च में 5.66% पर पहुंच गई है। सरकार का कहना है कि महंगाई कम हो रही है, वहीं आम जनता का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अगर सरकार मानती है कि उसने महंगाई कम की है तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि चाहे खाने की सामग्री हो या फिर बाहर की चीजें, हर किसी के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में महंगाई की वजह से घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार झूठ है, बिल्कुल झूठ बोलती है, कोई महंगाई कम नहीं हुई है। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, बल्कि आटे पे GST लग गया है। सिलेंडर जो आज से 5 से 6 साल पहले 350 या 400 में आया करता था, आज 1300 से 1500 में आ रहा है। कहाँ से खाएंगे लोग? सरकार बेनिफिट इसलिए अपने लिए देखती है क्योंकि उसको तो सिलेंडर भी फ्री मिलता है, बिजली बत्ती कुछ नहीं होती, उनको खाना भी कम से कम रेट में दिया जाता है, फ्लैट उनको मिलता है। हम लोगों को क्या, मिडिल क्लास वालों को कुछ नहीं मिलता, ना ही लो क्लास वालों को मिलता है। उनको तो रोज का कमाना रोज का खाना है, सरकार रोज का कमाना और रोज का खाना भी नहीं दे रही है। बढ़ती जा रही है महंगाई का, घटने का तो नाम ही नहीं है कोई चीज़ का। जो चीज़ देखो आज रेट में, कल दूसरे सब्जियाँ अब तो महंगी होती जा रही है। अब महंगाई बढ़ रही है, आमदनी तो मतलब वही गिनी चुनी जो पहले थी वही है। सैलरी कहाँ बढ़ रही है? सैलरी का हमारा तो छोटा मोटा अपना ही घर का ही काम है, तो फिर उसमें भी कोई पास नहीं बढ़ रहा है इतनी हो रही। महंगाई के लेके आम आदमी तो बहुत परेशान है, हम लोग तो बहुत परेशान है, मजदूर आदमी है हम लोग, खान अब बहुत ही दिक्कत हो रही है। सबसे दिक्कत क्या? घर चलाने में दिक्कत हो रही है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब में महंगाई बढ़ती जा रही है। DDA ने ताहिरपुर में बने 3 दशक से भी अधिक पुराने वाल्मीकि मंदिर को तोड़ दिया। यहाँ साधु संत आकर ध्यान करते हैं, साथ ही यहाँ रहते भी हैं। ऐसे में DDA ने इस जगह को काफी हिस्से को बिना किसी नोटिस के तोड़ दिया। कई मंदिरों के लोग भी रहते थे, ऐसे में यहाँ के साधु और केयरटेकर का कहना है कि DDA ने जिस तरह से इन जगहों को तोड़ा है उसे दोबारा बनवा कर देना पड़ेगा, क्योंकि आश्रम में इस तरह से जबरन घुसकर इस तरह से तोड़फोड़ करना सही नहीं है। ये कल सूचना मिली हमें कि भगवान वाल्मीकि आश्रम जो है, जो तिलकुनाथ जी ने जिसकी स्थापना की थी, तिलकुनाथ जी नाथ संप्रदाय से थे, नाथ जी की संपत्ति है ये, उन्होंने स्थापना की थी वाल्मीकि आश्रम की, और ना जाने किस कारण कोई नोटिस नहीं है, कोई सूचना नहीं है, कोई फ़ोन कॉल किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि इसको कैसे तोड़ा गया है, क्यों तोड़ा गया है। अधिकारी लोग आए थे, अपना जो है वो JCB वगैरह सब अपना लेकर आए थे, पुलिस प्रशासन की सहायता लेकर यहाँ इसको में कोई था नहीं उस समय यहाँ पे जो मतलब साफ सफाई का कार्य करते हैं ना, दो सेवादार थे मात्र। साधु संतों में इस बात को लेकर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा है, नाराज़गी है, और मांग हमारी यह है कि DDA के अधिकारी सब आपस में बैठक रख के अपने आप इसको आके बना कर जाएं। वो नहीं बनाते हैं तो
जानकारी आपको दे दूं कि ये जो डीडीए के कुछ अधिकारियों का कहना यह है कि हमने सिर्फ कमरे तोड़े हैं। मुझे कोई फ़ोन कॉन्टैक्ट नहीं किया गया और ना मेरे को कोई नोटिस दिया गया। मैं जब यहाँ पे पहुँचा हूँ, इस लड़के ने मेरे को कॉल किया था, मेरे भतीजे ने, 3 बजे लोडर आ गया था। मैं ड्यूटी से, गांधीनगर में मेरी ड्यूटी है, यहाँ पहुँचने में आधा घंटा लगता, तो मैं जब आया तो ये टूट चुका था। उस दिन मैं बाहर खाना खा के यहाँ पे मंदिर में घूम रहा था, तो मैंने देखा था कि बिल्डोजर बाहर खड़े हुए थे और उनके आदमी भी खड़े थे मंदिर के हथौड़े वथौड़े लेकर। तो यहाँ पे अंदर घुस के वो हथौड़े से गेट लॉक रहता है या फिर गेट तोड़ के घुसे थे, ताला तोड़ दिया था उन्होंने। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।